हम बैठ गए ऑटो में और जा रहे हैं मार्केट। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मार्केट में रश भी बहुत है, तो दिखाते हैं हम मार्केट से क्या क्या लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शालू चिश्ती और शालू चिश्ती की दुनिया में आप सबका वेलकम है। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज गई थी मैं मार्केट और मार्केट में बहुत, पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोज़े चल रहे हैं, तो रोज़ा रखने के बाद अगर मार्केट जाओ तो बहुत बड़ा टास्क है। इतनी गर्मी है ना कि गला सूख जाता है, बट आज मैं रोज़े से नहीं हूँ, तो वो नहीं हूँ समझने वाले समझ जाएंगे कि क्यों नहीं हो सकती। फ्रेंड मैं जो आज सामान लेकर आई, देखो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ, जो मैंने बताया था ना आपको, मैंने सूट बनाया था और मैंने उसकी पूरी लुक दिखाऊंगी दुपट्टे के बाद, तो मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ। फ्रॉक का पूरा लुक ये देखो, मैं मार्केट गई थी तो मैं भी इसी को पहन कर गई थी। और ये इसका दुपट्टा, सोच रही थी इसके दुपट्टे पर लेस लगा लूँ, बट अब नहीं लगा रही क्योंकि वैसे भी रेगुलर पहनने के लिए तो मैं इसमें लेस लगा कर क्या ही करूँगी। और देखो फ्रंट इसका घेरा, ये देखो कितना घेरा है इसका, 15 फीट रहा मैंने इसका, तो बट इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्रेंड ये हम चप्पल लेकर आए थे, कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा था, बट अभी तो शॉपिंग ऐसी ईद की नहीं हो रही है, ये तो नॉर्मल शॉपिंग थी। और जो हमने सूट बनाए थे उनके उनके दुपट्टे लेकर आए थे, देखो एक दुपट्टा ये वाला लेकर आए थे, वो जो येलो वाला सूट था ना उसके लिए, और ये जो फ्रॉक बनाई थी पर्पल वाली उसकी प्लाजो की, ये उसके लिए दुपट्टा, ये हम दुपट्टे लाए थे। और देखो ढेर सारी हम लेस लेकर आए हैं दुपट्टे के लिए, ये पिंक लेस तो लगेगी इसके ऊपर। फ्रेंड ये देखो बिल्कुल मैच कर रही है ना, और ये वाली लेस हम एक्स्ट्रा लेकर आई है, बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहते हैं तो उसमें लग जाएगी। ये वाली लेस लाई थी मैं अपने दुपट्टे के लिए, बट अब इस वाले सूट के दुपट्टे देखते हैं लगा लेंगे दुपट्टे तो। और ये मेरी लेस है, एक और सूट है मेरा उसके लिए ये वाली लेस लेकर आई हूँ, एक और है मतलब पूरा फ्रॉक सूट ही है, वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था उस सूट के लिए, वो सूट भी मैं आपको दिखा दूँगी। और हम क्या ले, हाँ फ्रेंड हम सूट भी लेकर आए, ये देखो फ्रेंड ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये वाला सूट लेकर आए, कॉटन है बट बहुत अच्छा लग रहा है, इसका नेक देखो कितना प्यारा है, मतलब सिंपल एंड सोबर है, बहुत अच्छा है। और एक सूट ये वाला लेकर आए थे, ये कॉटन है, इसका हम क्या बनाएंगे ये भी जब बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे। आजकल है ना, वैसे भी मुझे फ्रॉक बहुत पसंद है, मुझे तो अनमैरिड टाइम से ही फ्रॉक पसंद है, बस फर्क इतना है तब मैं फ्रॉक के नीचे प्लाजो नहीं पहनती थी, तब ओनली फ्रॉक पहनती थी, बट अभी फ्रॉक के नीचे प्लाजो वाले सूट चल गए तो वो पहनती हूँ, बट पहनती फ्रॉक ही हूँ, मुझे फ्रॉक बहुत पसंद है, सिंपल सूट भी पहन लेती हूँ बट उससे ज़्यादा मुझे फ्रॉक पसंद है। और इसके भी मैं कुछ डिजाइन करके फ्रॉक बनाऊँगी, ऑल ओवर मतलब एक ही प्रिंट है, तो इसमें मुझे प्लाजो के लिए तो फिर थोड़ा ही कपड़ा निकलेगा, बाकी सारी फ्रॉक ही बन जाएगी, तो बहुत सुंदर सी फ्रॉक बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। फ्रेंड कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया और बहुत रीजनेबल भी है। और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी देखो फ्रेंड कितना प्यारा है, देखिए फ्रेंड जहाँ पर हम आए थे लेस के लिए, और ये मार्केट पड़ती है मदनगीर में, मदनगीर में मतलब जो छोटी मार्केट है उसको मतलब झोपड़ पट्टी वाली मार्केट बोलते हैं, बट वो झोपड़ पट्टी वाली मार्केट नहीं है, बस इसी नाम से मशहूर है वो, उसमें ये लेस मिलती हैं। और इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था लेस का, और बल्कि मैंने और जगह से देखा था तो बहुत रीज़नेबल प्राइस था,
मैंने सारी लेस यहीं से ली, और इस लाइन में ना कई शॉप हैं लेस की, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर जो भी इधर के आसपास रहता है तो आप इन वाली शॉप पर आकर देख सकते हो, इनके पास क्रोसिया वाली लेस भी। फ्रेंड घर पर आकर देखा तो दाल ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने फिर ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, और ऑर्डर सिर्फ 10 से 15 मिनट में ऑर्डर आ गया, और मैंने वहाँ से आटा भी मंगा लिया साथ में। मैंने कहा मंगाना तो है ही, तो आटा भी मंगा लिया। ब्लिंकिट वाले एक येलो कलर का बैग देने लगे, क्योंकि ग्रोफर्स का ऑरेंज था, ब्लिंकिट का येलो है। तो फ्रेंड मेरा ऑयल भी आ गया, आटा भी आ गया, और मेरी दाल भी आ गई। ये मैंने अरहर की दाल पहली बार मंगाई है, वैसे मैं अरहर की दाल खाती नहीं थी, बट मैंने कहा ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं जब भी शूट पर जाती हूँ तो वहाँ पर अरहर की दाल ही होती है, अरहर की दाल और राइस ज़रूर होते हैं, कितना भी अच्छे से अच्छा खाना हो लेकिन अरहर की दाल उसमें ज़रूर इंक्लूड होती है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी घर में ट्राई करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं अरहर की दाल। फ्रेंड लगता है आज तो मेरी पॉकेट से पैसे ही पैसे खर्च होने वाले हैं, और अभी देन उसके बाद ही आ गया मेरा पर्पल से ऑर्डर, और फिर वो ऑर्डर लेने के लिए मैंने सपना से पैसे उधार लिए, तब मैंने वो ऑर्डर लिया। तो फ्रेंड देखो इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, और देखते हैं हमने जो ऑर्डर किया था उसमें हमारा ऑर्डर बिल्कुल सही आया है या नहीं आया, या फिर जो मैंने ऑर्डर किया था सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए, तो मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट आया है या नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 599 का सरप्राइज़ गिफ्ट मिल रहा है इसमें। तो फ्रेंड मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मेरा कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आया है, मुझे तो लग रहा है कि जो मैंने ऑर्डर किया था वो भी पूरा नहीं आया, उसमें भी ब्रेक हो गया है ऑर्डर। ये देखो ये लाइनर है, आया का लाइनर है ये, और लाइनर बहुत अच्छा है। ये लिपस्टिक मंगाई थी मैंने, और मैंने इसमें ना एक मतलब हाइलाइटर कंसीलर मंगाया था, बट वो नहीं आया, और ये इन्होंने गिफ्ट भेजा है। मुझे लगता है इस लिपस्टिक के ही बराबर कॉस्ट का ये इन्होंने गिफ्ट भेजा है, तो मैं फ्रेंड बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने जिस चीज़ के लिए ऑर्डर किया था वही चीज़ नहीं आई। तो फ्रेंड पर्पल वैसे ऐसा करता नहीं है, बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ। क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा कि मुझे 599 का कुछ ऐसा सरप्राइज़ गिफ्ट आएगा जो मेरे ईद के टाइम पर काम आएगा, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। फ्रेंड ये था, मैंने ये भी मंगाया था, ब्लशर एंड हाइलाइटर दोनों थे इसमें, इसमें पिंक भी था और एक इसमें थोड़ा सा ब्रॉन्जिश कलर में आ रहा है हाइलाइटर। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसलिए ये भी मंगाया था, और इसमें ब्लशर भी साथ में, तो एक ही पैलेट से काम हो जाएगा, अलग अलग रखने पड़ते हैं। एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट के पास जितना सामान हो इतना कम है, और ये मैंने स्विस ब्यूटी से मंगाया था, मुझे इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है इस वजह से मैंने मंगाया था। बट इसका मुझे जो लाइनर है अच्छा है, पर वो जितना मैबलिन का अच्छा ना इतना अच्छा नहीं है इसके, अदरवाइज इसके और चीज़ें जैसे लिपस्टिक हो गई और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी है। स्पेशल पार्ट देखो, इतना गुस्सा आ रहा है ना इसको, शूज़ के जो हम चप्पल लेकर आए ना स्लीपर, उसके डब्बे में बैठ गई है, पूरा डब्बा तोड़ दिया है। और आपको दिखाती हूँ, ये देखो सारे, ये इसने इसको ना ऐसे खींच दिया, मुँह से पकड़ पकड़े खींच रही है, इसको इतना गुस्सा आ रहा है। लीजा देख, लीजा इतना गुस्सा आ रहा है, ये देखो फ्रेंड ये देखो गुस्सा इसका। फ्रेंड मैंने जो पर्पल से सामान मंगाया मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया, और यहीं पर मेरी वीडियो एंड होती है। और ये वीडियो कैसी लगी ये आपके कमेंट बताएंगे, और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।